हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप इसे जानते हैं कि सीजीएल 2023 टीयर वन का एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है। लास्ट मोमेंट पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जिन्हें फॉलो करके मैंने बीइंग एन एक्स सर्विसमैन जनरल का कट ऑफ क्लियर किया। तो उससे पहले आप को मैं अपना स्कोर कार्ड दिखाना चाहता हूं। तो आप सभी ने मेरा स्कोर कार्ड देखा, ठीक है। अभी मैं वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले चाहता हूं कि आप प्लीज वीडियो को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो जैसा कि आप सभी पैटर्न के बारे में तो जानते ही हैं, एग्जाम का पैटर्न जो टीयर वन का है, टीयर वन में चार सेक्शन होते हैं मेनली, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस। चारों में नंबर ऑफ क्वेश्चन इक्वल होते हैं, 25-25, वेटेज सेम है 50-50 मार्क्स का, और टाइम ड्यूरेशन है टोटल पेपर के लिए 60 मिनट। टीयर वन में कोई अलग से सेक्शन टाइमिंग नहीं है, पूरे पेपर की टाइमिंग कंबाइंड 60 मिनट है। तो आपने पेपर का पैटर्न देखा, अभी मैं पॉइंट पर आता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट है मॉक टेस्ट। अभी तक आप लोग जब से तैयारी कर रहे हैं काफ़ी मॉक टेस्ट बना भी चुके होंगे, नहीं अभी, और जिन लोगों ने ज़्यादा नहीं बनाए हैं लास्ट मोमेंट पे, अभी लास्ट के दिनों में मैं चाहता हूँ कि डेली आप मिनिमम 2 से 3 मॉक टेस्ट तो बनाइए, ठीक है। और उससे क्या फ़ायदा है मैं बताता हूँ। मॉक टेस्ट बनाने से आपको अपनी स्ट्रेंथ, उन्हें एनालिसिस करिए, स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों पता चलेगी, और स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से ही अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए। जो आप मॉक टेस्ट में स्ट्रेटेजी आपकी काम कर रही है, उसी स्ट्रेटेजी के साथ एग्जाम में जाइए। जैसे अगर आपकी स्ट्रेंथ आपको लग रहा है रीजनिंग है, तो रीजनिंग से ही मॉक टेस्ट में भी आप रीजनिंग से ही शुरुआत करिए, और एग्जाम में भी आप रीजनिंग से ही पहले शुरुआत करना। इससे क्या फ़ायदा होता है, जैसे मैं बताता हूँ, मेरी रीजनिंग स्ट्रेंथ थी तो मैंने रीजनिंग से शुरुआत करी, और रीजनिंग में स्टार्टिंग में ही मैंने 21 क्वेश्चन बना दिए थे, रीजनिंग के बन गए थे। तो उससे कॉन्फिडेंस आ जाता है, अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यस यू आर डूइंग गुड। और कहीं अगर आपने शुरू में ही कोई सेक्शन पकड़ लिया, मान लिया मैथ या कुछ भी कहीं पे, उसमें अगर आपने तो ज़्यादा टाइम ले लिया उस सेक्शन में, या आप कहीं अटक गए, तो उस समय आप थोड़ा नर्वस हो जाएंगे और आगे पेपर गड़बड़ हो ही जाना है वो। तो मॉक टेस्ट इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट बनाकर उसे एनालाइज जरूर करिए, एनालिसिस करिए कि क्या आपकी स्ट्रेंथ है और वीकनेस है। सेकंड पॉइंट, डिवाइड ईच सेक्शन इन टाइम लिमिट। फॉर एग्जांपल, चार सेक्शन है, चारों सेक्शन को, ये टीयर वन का जो एग्जाम है टाइम मैनेजमेंट का ही एग्जाम है एक तरह से, आप समझ लीजिए। जैसे मैंने बताता हूं, मैंने अपना जो एक जैसे टाइम में बांटा था, रीजनिंग के लिए 20 मिनट, मैथ के लिए 20 मिनट, इंग्लिश 15 मिनट और जीए के लिए 5 मिनट, तो ये टाइम फ्रेम में मैंने बांट दिया था ईच सेक्शन को। तो इसमें 1-2 मिनट का तो चल जाएगा, 19-20। तो कहने का मतलब ये है कि एक सेक्शन को ज्यादा टाइम मत दीजिए, भले ही मैथ आपकी स्ट्रेंथ है, लेकिन अगर आप मैथ में 30 मिनट लगा देंगे, ठीक है, हो सकता है मैथ का पेपर जो है टफ आ गया और आप अड़े हुए हैं उस पर कि नहीं मुझे मैथ, तो मैं मॉक टेस्ट में तो मैं 22 बना रहा था, यहाँ मेरे 15 ही बन पा रहे हैं, और उसे एक्स्ट्रा टाइम देंगे। हो सकता है रीजनिंग आसान आई है और आप उसमें ज़्यादा क्वेश्चन बना सकते हैं। तो टाइम लिमिट के हिसाब से ही अपना पेपर करिए, भले ही आपका वो थोड़ा 1-2 क्वेश्चन कम हो रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ईच सेक्शन को ट्राई जरूर करिए। कई लोग मैंने देखा है ऐसे कि वो कहते हैं कि बाद में एग्जाम होने के बाद कि यार मैं इंग्लिश में केवल 10 ही क्वेश्चन कर पाया, बाद में टाइम ही नहीं बचा। तो इस चीज़ से बचिए, टाइम स्ट्रिक्ट टू द टाइम लिमिट, ठीक है। थर्ड पॉइंट, नेगेटिव मार्किंग। वैसे तो इसमें टीयर वन में नेगेटिव मार्किंग है 1/4 है, और लोग यहीं पर थोड़ी गलती करते हैं जो मुझे लगता है, ये बोलते हैं यार 1/4 ही तो है, क्या हो गया, 1-5 मार्क करेंगे, मान लिया तुक्के मारेंगे, 1 अगर सही भी हो गया तो भी हमें कोई नुकसान में नहीं रहे, और 2 सही हो गए तो कोई प्लस में आ गए हम। लेकिन यहीं पर आप गलती कर रहे हैं,
ये टीयर वन का एग्जाम 13-14 दिन एग्जाम चलता है और 4 शिफ्ट में एग्जाम होता है, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कट ऑफ में। और नॉर्मलाइजेशन में कई फैक्टर मैटर करते हैं, शिफ्ट हार्ड टफ और इजी वो तो मैटर करती ही है, उसके साथ में एक्यूरेसी एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। मैं सच बता रहा हूँ कि अगर आपकी शिफ्ट आसान भी है ना और उसमें एक्यूरेसी आपने अच्छी करी है तो आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर शिफ्ट आसान होने के बावजूद भी बढ़ेंगे। और टफ अगर शिफ्ट है तो 15 से 20-20 नंबर तक भी नॉर्मलाइजेशन में लड़कों के बढ़ते हैं, एक्यूरेसी जिनकी अच्छी रहती है। ठीक है, तो इस चीज में थोड़ा ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल तुक्का मार, मतलब तुक्का नहीं मारना, ब्लाइंडली तुक्का नहीं मारना, मतलब 50% डाउट पे है तो आप कर सकते हैं, चांस ले सकते हैं, लेकिन ब्लाइंडली तुक्का मारने को से अवॉइड अवॉइड करिए उसे। तो निगेटिव मार्किंग का ध्यान ध्यान में रखते हुए एग्जाम में जाइए, और ये मॉक टेस्ट में भी आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि निगेटिव मार्किंग से बचेंगे, मॉक टेस्ट में भी वही एग्जाम में आप फिर अप्लाई करेंगे। जो फोर्थ पॉइंट है, डोंट कीप प्रीवियस ईयर कट ऑफ इन माइंड। अब ये मैं किस लिए बता रहा हूं, इससे पहले आप कट ऑफ देखिए, कट ऑफ 2021 का कट ऑफ, 21 में जनरल का कट ऑफ था 130, ओबीसी 117 और एससी एसटी का जो कट ऑफ था 89 और 79, और 2022 में 114 114 और ये 89 77 22 में था, और यहाँ था हमारा 94। ठीक है, 94 और 81, और एक्स सर्विसमैन का जो कट ऑफ था वो तो 42 था 0.5, और 2021 में और 2022 में 40 था केवल। तो आप देख सकते हैं 2021 में कट ऑफ 130 था। अब मैं ये पॉइंट किस लिए बोल रहा हूँ, आप अगर 2022 में जो गए हैं कट ऑफ के लिए, अब माइंड में रख के गए हैं कि यार पिछले बार तो लास्ट ईयर 2130 कट ऑफ गया था, मुझे इस बार तो इससे ज्यादा नंबर लाने ही लाने हैं। कट ऑफ कई फैक्टर पर वैरी करता है, इसमें वैकेंसी पर भी, पेपर के टफनेस लेवल पर, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। आप प्रीवियस ईयर कट ऑफ से बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा सकता, कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता है। मैं जानता हूँ अभी से ही यूट्यूब पे कई चैनलों पर इस साल का भी कट ऑफ अभी से प्रिडिक्ट करने लगे हैं। ठीक है, तो मैं तो इस चीज़ पे नहीं जाऊँगा, ना ही मैंने कभी इस चीज़ को फॉलो किया, तो आपको ये बोलूँगा दिमाग में मत जाइए रखकर एग्जाम में जब जा रहे हैं कि यार लास्ट ईयर का, तो अब जो 130 कट ऑफ दिमाग में रख के गए थे 22 में कि यार मुझे इतने नंबर लाने लाने हैं, अब उसमें क्या होता है जब आप उस नंबर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो मान लिया आपके 120, आपको लग रहा है यार मेरे 120 के आसपास ही बैठेंगे, तो एंड में आप ओवर अटैम्प्ट कर देते हैं, ओवर अटैम्प्ट में निगेटिव मार्किंग में आपके नंबर और कम हो जाते हैं, और बाद में आप पछताएंगे यार इस बार तो कट ऑफ 114 ही रहा है केवल। ठीक है यार, यार मेरे तो क्लियर हो जाता है अगर मैं ओवर अटैम्प्ट नहीं करता है। ठीक है, तो कट ऑफ कम ज्यादा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इस बार 2023 का कि 114 से कम ही होगा, ज्यादा कुछ भी हो सकता है, मैं प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूँ। आप भी प्रिडिक्ट मत करिए, आपकी जो तैयारी है वहां जो एग्जाम में पूरी, आप जो भी आपकी अपनी तैयारी है उसके हिसाब से जितना आप कर सकते हैं उतना अटेम्प्ट करिए, जितना भी अटेम्प्ट जा रहा है, और विश्वास रखिए। ठीक है, जो भी होगा कट ऑफ वो तो बाद में पता चलेगा ही, पर पहले से ही दिमाग में ना रख के जाइए, इससे गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा, निगेटिव मार्किंग में फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, अभी आपसे अभी कई लोग अभी आपने देखने शुरू भी कर दिए होंगे यूट्यूब पर कट ऑफ प्रेडिक्शन और ये सब जो है। दूसरी बात, एक और चीज बोलना चाहूंगा कि जैसे कई लोगों का जो बाद की शिफ्ट में एग्जाम है, वे क्या होता है प्रीवियस शिफ्ट वाले, जैसे 17, 18, 19 तारीख वाली शिफ्ट के पेपर, आज तो डेली, आजकल तो डेली बेसिस पे पूरा शिफ्ट का एनालिसिस आ जाता है, पूरे दिन का, हर शिफ्ट का, तो हम उसे देखते हैं, उसे देखकर उसमें हमारे शुरू के दिनों में आसान आ गए हैं पेपर, हर कोई जो है यूट्यूब पर कि मैंने फोड़ दिया पेपर, फोड़ दिया फाड़ दिया, 150 करके आए, 140 नंबर आएंगे, इतने आएंगे, और उसे देख के हम क्या है जिसका बाद में एग्जाम है वो टेंशन में आ जाता है थोड़ा, और जब वो एग्जाम देने जाएगा ठीक है तो उसके दिमाग में रहता है यार पिछली शिफ्ट वाले ने तो इतने करे हैं, इतने तो मुझे लाने ही है। मैं बता रहा हूँ इस चीज़ से भी बचना, क्योंकि हो सकता है आप जब जाए एग्जाम देना आपके शिफ्ट टफ आ जाए, और टफ आ जाए आपके केवल 120 या 125 ही बन रहे हैं, तो यकीन मानिए आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिलेगा। ठीक है, आप प्रीवियस दिनों की भी जो शिफ्ट है ना उनको भी दिमाग में मत रख के जाना एग्जाम में,
बस उनको थोड़ा हाथ देखना जरूर कि हाँ किस तरह का पेपर आ रहा है, लेकिन उनकी बातों पे कि हाँ 150 कर दिया, 160 नंबर मेरा आ रहे हैं या 150 आएंगे, उस चीज़ को दिमाग में मत रखना। आप अपनी तैयारी से जाओ, अपने हिसाब से एग्जाम में दो। तो दोस्तों यही सब पॉइंट थे मेरी तरफ से, और अभी बिल्कुल भी पैनिक मत होइए, स्ट्रेस फ्री एग्जाम देने जाइए, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई, जानकारी आपको अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आगे ऐसी ही वीडियो के लिए आपको और बताइए मुझे कमेंट में, मैं जानना चाहूँगा किस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ, मुझे अच्छा लगेगा। और या अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करिए जिन्हें लगता है आपको फ़ायदा पहुँचेगा इस वीडियो के माध्यम से। थैंक यू, जय हिंद।